तो वेल, अगर जेलेसी की बात हो रही तो ये सीजन में भी बहुत बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है शहनाज और माहिरा के बीच में कि कौन किससे जेलेस है. सो इसके ऊपर आपको क्या कहना है, लाइक व्हाट डू यू थिंक? सी, जेलेसी सब में होती है और मुझे लगता है कि आपको जेलेसी तब होती है जब आप उस इंसान को पसंद करते हो और आपके पास वो नहीं है, तब आपको जेलसी होती है. इसका मतलब आपको उस इंसान की चीज़ अच्छी लगती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जेलसी अगर है तो ठीक है, उसको मतलब उसको प्यार से ले लो कि हाँ ये मुझसे जलती है, ना कि पॉइंट आउट करके तुम मुझसे जलती हो. ओके, वो नहीं होना चाहिए. यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कोई मुझसे जल रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए, या उसे भी लगना चाहिए कि उसे भी रियलाइज़ होना चाहिए कि यार मैं जल रही हूँ, मतलब मैं उसे पसंद करती हूँ. मेरी सोच ये है. तो ये आपस में बोला जा रहा है तो आपस में आई थिंक एक दूसरे को पसंद ही कर रहे हैं. ओके, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन किससे ज़्यादा जेलस है? मुझे लगता है घर के अंदर थोड़ा सा शहनाज को लेकर है कॉन्शियस लोग, और शहनाज से जेलस है मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज़ वो है, मस्ती करती है, और जिस हिसाब से उसका एक जिस फ्लो में वो जा रही है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के लोगों में है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसको लेकर, थोड़ी सी जेलसी है. बता तो नहीं रहे और सब लोग ब्लेम उसके ऊपर कर रहे हैं. शी इज़ लिटिल आई थिंक ऊपर से खसकी है वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहाँ तक रियल है मुझे नहीं पता. लेकिन जिस हिसाब से वो चीज़ बहुत नेचुरल है कि आप घर में कोई एक बंदे की तारीफ होती है या वो दिखता है तो बाकी के लोगों को जेलसी होती है.